कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी भी ठीक होंगे और हम भी जो है ठीक हैं। और अभी मैं जा रही हूँ अगेन बाग की ओर। मैं आज जा रही हूँ फिर से ब्रोकली के पास। क्यों? ब्रोकली निकालने सब्जी के लिए, तो मैंने सोचा शूट कर लूँ। और डे बाय डे ना ऐसा लग रहा है कि ये छलियाँ ना बहुत एकदम से लंबी हो रही है। कल ही मैंने देखी थी और छोटी थी, आज बड़ी हो। तो चलिए निकालते हैं ब्रोकली को। इससे बड़ी होगी ये? इससे बड़ी तो अब क्या ही होगी। तो काटते हैं इसको नीचे से। ओहो, गिर गई मुझसे। तो फाइनली मैंने निकाल दी है ब्रोकली। चलते हैं ब्रोकली। है निकाल। तो आज बनाते हैं अपने हाथों से उगाई हुई ब्रोकली की सब्जी। आज आज देखते हैं आज बनाऊँ या कल, पर मैंने सोचा बारिश से ख़राब हो जाएगी तो मैंने निकाल ही ली। तो चलते हैं। नेता जी हमारे गांव में आ चुके हैं, तो अभी घर पर आए हुए हैं गेस्ट जो देवता के साथ होते हैं दिवालू। तो ज़्यादा नहीं हैं, दो ही हैं। तो सोचा मैंने फटाफट से अब उनके लिए क्या बनाऊं। तो अगेन पनीर, तो इसकी रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी। मैंने ऑलरेडी इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर ली है। थोड़ा आज इसे डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी। उसके बाद अभी मैं लाई हूँ, आपने देख ही लिया होगा, मैंने बाग से लाई है फ्रेश फ्रेश ब्रोकली। तो चलो मैंने सोचा है ब्रोकली अभी बना लेती हूँ। तो बनाते हैं आज ब्रोकली की सब्जी। तो बने रहेगा मेरी वीडियो में, तब तक जो है मुझे ब्रोकली ना एक स्मॉल ट्री की तरह नज़र आ रहा है। ऐसे ट्रीज जो हैं हम ना ड्रॉ करते हैं ड्राइंग में, तो बच्चों के लिए ड्रॉ करते हैं ऐसे ट्रीज। तो सेम ऐसा लग रहा है कि एक ट्री है ये। तो मैं काफ़ी टाइम बाद आज काट रही हूँ ब्रोकली की सब्जी। मतलब काट क्या, बना भी रही हूँ काफ़ी टाइम बाद। तो कट करते हैं फटाफट से ये ब्रोकली। तो बनाते हैं आगे इसकी सब्जी। तो सबसे पहले तो हम इन ब्रोकली को जो अच्छे से धोकर उन्हें काट लेंगे, और इसके बाद इसे बॉईल करेंगे 3-4 मिनट के लिए। तो मैंने एक पैन लिया है, पैन में पानी डाल दिया है और उसमें मैं ब्रोकलीज डाल रही हूँ, तो इसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे। आप चाहें तो ब्रोकली को हल्के से तेल में फ्राई भी कर सकते हो, उसके बाद उसे तड़के में ऐड कर सकते हो, और चाहे तो मेरी तरह आप बॉईल कर सकते हो। तो आजकल बहुत ऑयली ऑयली हो गया है, मैंने बहुत ऑयली ऑयली डिशेस बना ली हैं, तो मैंने सोचा आज ब्रोकली को जो है बॉईल करके उसके बाद उसे मसाले में ऐड कर लूँगी। तो मैंने बनाई ये इस बार बॉईल करके सब्जी। तो आप भी ऐसे बनाओगे तो ज़रूर यमी बनेगी। और मेरा जो ये तड़का है, एज यूजल जैसे मैं लगाती हूँ रोज़ वैसा ही लगा रही हूँ, तो ये बहुत यमी बनती है ये सब्जी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए ये ब्रोकली की सब्जी इस तरह से जैसे मैं बना रही हूँ। तड़का आपको पता है, एज यूजुअल सब कुछ दिख रहा है कि मैं क्या क्या डाल रही हूँ, क्या क्या ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरा तड़का हो चुका है रेडी। इसमें मैंने प्याज, लहसुन, जीरा, धनिया, टमाटर, काली मिर्च, हल्दी, नमक, ठीक है, लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ ब्रोकली। तो ये थोड़ी सी बॉयल्ड है, हाफ बॉयल्ड है, तो इन्हें जो है थोड़ी देर फिर ढककर फिर से पकाना पड़ेगा, और बाद में ये रेडी हो जाएगी अच्छे से ब्रोकली की सब्जी। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, तो ज़रूर कहिएगा कमेंट बॉक्स में मेरी ब्रोकली की सब्जी का। और अब जो है मिलते हैं नवू से। क्या क्या करेगा नवू इस चॉकलेट को? कुछ भी नहीं, अभी बोल तो क्या बोल रहा था, बोल बोल कुछ नहीं, जल्दी जल्दी। पहले कुछ नहीं, इसकी पूजा करूँगा, फिर इसको टिक्का लगाऊंगा, तब जाके खाऊंगा। है नहीं। तो यहाँ पे नव्या को मिली है चॉकलेट गेस्ट से, तो इसे अभी देख ही रही है क्योंकि डेली ऐसी चीज़ें खाती रहती है, बस इसको देख ही अच्छा रही है, पर सच देनी नहीं है इसे मेरे को। कैमरे के सामने आते ही झूठ। झूठे आप। मुझे भी दे फिर। नहीं।
कितना खाती है तू, बता जरा। चॉकलेट। नवु मुझे दे रही है चॉकलेट, वो कितनी दिखते हैं, पूरी चॉकलेट में से इसने मुझे दी है दो। पापा को मुझे नहीं। अच्छा पापा को भी देगी। ओके तो चलिए यहीं पे करती हूँ आज ब्लॉग का एंड, और मिलूंगी आपसे कल फिर से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।